कोरोना को ओ बढ़तो ग्राफ देखता गया है जो स्वास्थ्य विभाग हरकत के अंदर आ गया है। बीकानेर मुख्यालय के ऊपर 37 है जो कोविड पॉजिटिव का केस है, वे एक्टिव है। 5 जो नया मरीज आया है सबने वैक्सीन लगा ली, लेकिन एक बार फिर है जो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स अकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। बीकानेर के अंदर आज 5 नया कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आने में है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर हड़कंप मच गया है। बता दूं थाने, 5 जो आज नया कोरोना पॉजिटिव केस आया है, बने जोड़ के अब तक बीकानेर के अंदर टोटल 37 है जो कोरोना पॉजिटिव का एक्टिव मरीज है, वे टोटल हो चुका है। कोरोना को ओ बढ़तो ग्राफ देखता हुआ है जो स्वास्थ्य विभाग हरकत के अंदर आ गया है। और CHMO है जो डॉक्टर अबरार पवार बतायो कि कोरोना ने देखता हुआ है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ है व्यवस्था है पूरी चाक चौबंद कर गई है। नया बेड और कोविड लोगों खातर जो सारी जो व्यवस्था होनी चाहिए वे प्रशासन की तरफ करी जा वाला रही है। जो अलग जो कोरोना की दूसरी लहर ही भी दौरान ऑक्सीजन की जो किल्लत देखनी पड़ी ही अपना ने, बीसी परिस्थिति एक बार वापस फिर ना बने भी चीज ने लेके है ऑक्सीजन प्लांट है वे संभाले जा वाला रहा है। अगर इस तरीके को इसी कुछ अनहोनी होगी तो स्वास्थ्य विभाग को कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके जो बीकानेर है चीज सक्षम है लड़ना के अंदर। बताना चाहूंगा थाने, आज शनिवार ने 5 जो और कोविड रोगी आने के बाद के अंदर है अब तक मुख्यालय है जो बीकानेर मुख्यालय पर 37 जो कोविड जो एक्टिव केस है वे सामने आ रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके हरकत के अंदर आ गया है। जो ऑक्सीजन प्लांट है वे एक बार फिर संभालना शुरू कर दिया है। CHMO डॉक्टर अबरार पवार बताया है कि जो कुछ मरीज है बने घर ही आराम करने की सलाह है, बात दी जावा लग रही है। घर ही आइसोलेट होने की जो सलाह मशवरा है वो मरीजा ने दियो जावा लग रही है। कोरोना वार्ड ने भी है जो दुरुस्त करना शुरू कर दिया जा चुके हैं। हालांकि बीकानेर में कोविड रोगियों की भर्ती की स्थिति है वह अभी तक हॉस्पिटल में है, जो PBM हॉस्पिटल में कोनी भरी है भर्ती करने की स्थिति। अधिकांश रोगी है बने घर ही आइसोलेशन आराम करने की सलाह है बात दी जावा लग रही है। बता दूं थाने कि नया कोविड केस के अंदर लगभग टोटल जना ने वैक्सीन है जो वह डोज वैक्सीन की लागेड़ी है, बाद में भी पॉजिटिव हो गया है। और की तरीका का जो लक्षण है वह देखने को नहीं मिला। इनमें एक सुदर्शन नगर को है, 3 रामपुरा बस्ती और 1 बीकानेर के कोलायत को रहना है जो अब जो 5 नया कोविड मरीज आया बांग अंदर। और हरिद्वार लौटिया है और रेलवे स्टेशन के ऊपर आंगो है जो सैंपल लिए गए। जी ट्रेन आई रेलवे स्टेशन बीकानेर पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच के आंगा 5 सैंपल लिया। और एक बताना चाहूंगा थाने, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल डॉक्टर गुंजन सोनी है वे भी लगातार कोविड पर नजर बनाए रखा है। वार्ड का ऑक्सीजन प्लांट है जो चेक कराया जावा लग रहा है। वार्ड में बेड की संख्या है वह बढ़ाई जावा लग रही है। और अब तक कोरोना रोगी अस्पताल के अंदर ही कोविड का जो रोगी है अस्पताल के अंदर ही है। और पहला जो अन्य रोगी जो भर्ती है इस दौरान बांगी भी कोविड जाँच है वह कराई जावा लग रही है जो पॉजिटिव पाया गया है। और अन्य है जो कोविड वार्ड के अंदर शिफ्ट है वो कर दिए गए। कोविड की अगर आप बात करें तो कोविड का जो लक्षण है वे सामान्य है। एक अंदर जितना भी लोगों ने वैक्सीन लागेड़ी ही बांग है, 5 जो नया मरीज आया है सबने वैक्सीन लागेड़ी, लेकिन एक बार फिर है जो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। मेरे दर्शकों जो निवेदन है झलको बीकानेर चैनल का दर्शकों निवेदन रहोगे जो कोविड का जो नियम है बांग प्रोटोकॉल है नियमों की पालना करी जाए वापिस, मतलब पहला जैसी परिस्थिति ना बने एक बार वापिस। इस खातर जो दूरी है जो पहला अपना जो दूरी ही 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, और मास्क को भी उपयोग है निरंतर करे। भीड़ भाड़ा स्थान है बैठे मास्क को उपयोग करे और जो 2 गज की दूरी है वह बनाए रखो। सैनिटाइजर को इस्तेमाल है वो करे और कोई जरूरी को नहीं कि कोविड को जो है जो खत्म हो गया है इसी कोई बात को नहीं। आज 5 आया है, 5 ने मिला के टोटल 37 हो चुके हैं। तो जरूरी है अपना ने चाहिए सारा ने कि जो नियम है बांगी पालना करी जाए, 2 गज दूरी सैनिटाइजर वगैरह और मास्क भीड़ भाड़ा स्थान के ऊपर मास्क वगैरह पहनो बहुत जरूरी है। तो ओहो पूरा मामलो बीकानेर के अंदर आज 5 कोविड मरीज एक्टिव आने के बाद के अंदर है, टोटल 37 मरीज है एक्टिव बीकानेर मुख्यालय के ऊपर हो चुका है। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बतायो। झलको बीकानेर चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में देखे बेल आइकन का बटन ने दबा दो और ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हर गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में झलको बीकानेर चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इस नंबर पर थे माने फोन करो मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। अंतो माने दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय बीकानेर।